यहाँ मौजूद तमाम खासो आम की तवज्जो चाचा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे दिमाग की इजाद, हमारे दिमाग। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे सिर्फ एक शख्स को मौत के घाट उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी खासियत यही है कि ये एक साथ तीन लोगों को हलाक किया जा सकता है। मौत के सौदागर तो आपने बहुत देखे, मगर हम सजाए मौत में भी अपनी नफासत दिखाते हैं। नफासत, वरना मजा कहाँ है इन कामों में। अरे क्या हुआ? तुम तीनों के चेहरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मौत से पहले ही किसी ने तुम्हारे चेहरों पर मौत की इबारत लिख दी हो। हमारे यार, खेल शुरू होने से पहले ही खेल का मजा खराब करोगे क्या? अभी अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या कहा था तुमने? हाँ बैरम खान, तुम शेर नहीं लोमड़ी हो, लोमड़ी ऐसा कहा था ना? क्या हुआ, फंदा देखते ही घिग्गी बन गई? लटकाओ इन तीनों को। नहीं नहीं, ये तो हमारे मित्र को मार डालेगा, हमें आगे बढ़कर रोकना होगा इसे। रुक जाओ, अभी भी वक्त है, सोच लो। बुलाओ प्रताप को, कहो उससे कि अगर वो एक सच्चा दोस्त है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां आए और बचाए तुम लोगों को हमारे चुने। पुकारो उसको, आवाज दो, बुलाओ। कुछ भी बोलने से पहले इतना याद रखना, हम सबका जीवन कुंवर प्रताप के जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। हम सब चाहे जितने भी मर जाएं, कुंवर प्रताप जीवित रहना चाहिए। बैराम खान, कुंवर प्रताप को छोड़। एक बार तो मुझसे निपट ले, आज अभी इसी वक्त पता चल जाएगा तुझे इस धरती के मिट्टी में और पानी में कितनी शक्ति है। चुप चुप, कहीं का नया नया वतन परस्ती का जुनून बड़ा उबाल मार रहा है तेरे खून, अभी पता चल जाएगा। लटका खांसी पे तीनों को। नहीं, इससे पहले कि हमारे मित्रों के प्राण पर और संकट आए, हमें बैरम खान को रोकना होगा। जी बावड़ा हो गया तुम्हें जी। हमारे जीवन में ये प्रथम अवसर है जहाँ पर हम एक ऐसी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं जो युद्ध लड़ भी रही है और विजयी भव भी हो रही है। जी बावड़ा हो गया, मारिए, एक एक सैनिक को मार दीजिए। इन्होंने हमारे और हमारी सुगंध वाली रानी के बीच आने का साहस किया, दुस्साहस किया है। एक भी सैनिक जीवित न बचने पाए
मारिए सबको। शीघ्र आओ सिपाहियों, शीघ्र। माई, बीच से हटिए, हमें आगे जाने दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? आत्मसमर्पण करने भूल गए? सेना में सम्मिलित होते हुए लीशा पर हम मेवाड़ी सैनिक एक सच्चे योद्धा की भांति हम आत्मसम्मान, तत्त्वनिष्ठा, न्याय और सही और गलत की पहचान को सदैव महत्व देंगे। रानी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारा आत्मसमर्पण मेवाड़ के लिए नहीं होगा, यह सच है, किंतु हमारे मित्र उनका क्या? रानी सा, बूंदी की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ रही है, वे कभी भी अंदर आ सकते हैं। मैं और समाचार लेके आती हूँ। हंसा भाई जी, हम जानते हैं कि जीजा आपकी सखी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन्हें ये भी ना याद दिलवाए कि उनका हमारे प्रति भी कोई उत्तरदायित्व है, कोई कर्तव्य है। बड़ी महारानी है मेवाड़ की, दिशा दिखाए, मार्ग दिखाए, पर ना पूजा कक्ष में जाकर अपनी पूजा पाठ कर रही है। हमारी तो किसी भी बात से वो प्रभावित नहीं होती, कम से कम आप तो प्रयास कीजिए। हाँ हाँ, हमें भी तो पता चले जीजा की क्या योजना है। हंसा भाई जी, आप पता लगाइए ना। ठीक है। महारानी जी, शत्रु बल हम पर हावी होता जा रहा है, बताइए अब क्या करना है? महारानी जी, न जाने किस कुबेला में विश्वास करके हम जीजा के साथ यहाँ आए थे। जीजा द्वार खोलिए, जीजा द्वार खोलिए। क्या नजारा है, वाह। ए लड़के, बुलाना प्रताप को, पुकार, आवाज दे, बुला प्रताप को, बुला। हाँ, वतन परस्त ऐसा लग रहा है। बोल प्रताप, बचाओ मुझे आके, बचाओ। तुम्हें जो करना कर लो बैरम खान, हम मर जाएंगे लेकिन बावजूद को नहीं भूलेंगे। शाबाश। हाँ बैरम खान, चाहे तुम हमारे प्राण क्यों ना ले लो, हम हमारे बाबूजी राजप्रताप को नहीं बुलाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मरने से मेवाड़ पे कोई हानि नहीं आएगी, लेकिन वो तुम्हारा को लग जाता है। तू न जाने मेवाड़ के भविष्य का क्या होता बाबूजी राज। नहीं मित्रों, हम आप लोगों को ऐसे मरने नहीं देंगे। ए, रुको, पीछे हटो। यहाँ पे मैंने अभी किसी को छिपते हुए देखा है। देखिए, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे बीच में। यहाँ पे तो सब इधर गांव वाले ही गांव वाले हैं। और श्रीमान, आपको अवश्य ही कोई भूल हो रही है। ओ काले खान, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, असली तमाशा तो यहाँ हो रहा है। तो तुमेरु जी, हाँ वो अंतिम सैनिक बचा है, उसे भी मारिए। घरेलू कुत्तों की टुकड़ी समाप्त।
अब आएगा शेर पीतर मिलने अपनी सुगंध वाली रानी से। वैरू जी, आदेश दीजिए हमारे वीर सैनिकों को कि मुख्य द्वार तोड़ दे ताकि हम हमारी सुगंध वाली रानी से मिलाप कर सके। सैनिकों, तोड़ दो ये द्वार। रानी सा, राव सुरतन की सेना दुर्ग का मुख्य द्वार तोड़ रहे हैं। वे कभी भी अंदर आ सकते हैं। मैं देखती हूँ और क्या हो रहा है। राव जी, अगर हम इसी गति से चलेंगे तो अपनी रानियों की रक्षा कैसे करेंगे? शांत राणा जी, शांत। पदाती सेना चाहे कितनी तेज क्यों न चले, वो अश्वरयी सेना से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। आदमी और घोड़े की गति में अंतर होता है। यदि आप चाहें तो हम पड़ोस के राज्य से और घोड़े ले सकते हैं। नहीं राव जी, ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इससे हमें और विलंब होगा। हे एकलव जी, हमारी एक छोटी सी भूल के कारण कहीं हम अपनी रानियों को खो ना दें। नहीं राव जी, अब हम अपनी सेना की धीमी गति और अपने अश्व की तीव्र गति को नहीं बांध सकते। अब हम अकेले ही जाएंगे। राणा जी, सुल्तान सिंह अपनी पूरी सेना के साथ वहां है। अगर आप अकेले वहां जाएंगे युद्ध के लिए तो आपके लिए आत्मघाती होगा। आत्मघाती होता है तो हो राव जी, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अधिक से अधिक क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी ना। हो जाने दीजिए, ये मृत्यु उतनी पीड़ादायी नहीं होगी जितना एक दंश पीड़ादायी होगा कि मेवाड़ का राणा उदय सिंह अपनी रानियों की रक्षा तक नहीं कर सका। यदि ऐसा है तो हम भी आपके साथ चलेंगे बिजोलिया। इससे पहले कि हंसा भाई जी पर कोई आंच आए, हम भी लड़ते लड़ते अपना देह त्याग कर देंगे। उत्तम। जीजा ने हमारे गौरव और मर्यादा की चिंता छोड़कर स्वयं को पूजा कक्ष में बंद कर लिया है। बेटे के, हम भी अपने आप को जीते जी मार देंगे। अरे सेना, क्या क्या कर रही है? हाँ देखिए भाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? आप दोनों इस बात के अंतिम साक्षी रहना कि जीजा ने हमारे जल मरने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कोई हमारे पास आकर आग लगा देंगे हम अपने आप को। रुक जाइए धीर भाई जी। ये समय दिखावे का नहीं है, ये समय युद्ध का है। सैनिकों, हम बिजोलिया जा रहे हैं। आप सब शीघ्र वहां पहुंचने का प्रयास करें। चलिए राव जी, चलिए। हुकुम, बस एक दो बार और द्वार टोटा समझिए। रुकिए, आदेश दीजिए कि रुक जाए, अभी द्वार नहीं तोड़ना है। रुकिए, ठहरो, रुक जाओ सब। हुकुम, रोकने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण होगा तभी तो आदेश दिया हमने मूर्ख। अरे, सुगंध वाली रानी से मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे युद्ध वाले वस्त्र में थोड़ी ना जाएंगे हम उनसे मिलाप करने। जाइए, हमारे विशेष कार से तैयार किए गए आभूषण और वस्त्र को यहाँ मंगवाइए और हाँ, यहाँ पे उपलब्ध अत्र भी लाइए। हमारी मंशा है कि जब द्वार खुले और हम भीतर जाए तो हमसे पूर्व हमारी सुगंध वाली रानी तक पहुंचे, तत्पश्चात हमारा उनसे मिलाप हो, प्रेमालाप हो। हमारे हैं आपके पास सुगंध वाली रानी। जीजा, हम भला कैसे बूंदी के सैनिकों का तलवार से सामना करेंगे? हमें तो तलवार नहीं चलानी आती।
युद्ध तलवार से नहीं प्रण से लड़ा जाता है। हमारे हाथ में ये तलवार शत्रु को बता देगी कि हम राजपुतानियां हैं, और राजपुतानियां केवल वीरों को जन्म ही नहीं देती, समय आने पर वीरांगना का भेस भी धर सकती है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है जीजा। अस्त्र शस्त्र की विद्या के बिना कोई भी औरत वीरांगना नहीं बन सकती। वीरांगना बनने के लिए अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से अधिक अपने मान सम्मान और गौरव के लिए मर मिटने की भूख चाहिए। आज हम अपने गौरव के लिए शत्रु से लड़ेंगे, और एक लिंग जी के आशीर्वाद से हमें जीते जी कोई छू भी नहीं सकता। जो दृढ़ रखे धर्म को तिही रखे करता है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिही रखे करता है। वैसे बेवकूफी विरासत में मिली है तुम लोगों को। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लोग प्रताप के लिए अपनी जान दे दोगे तो तुम्हें शाही अंदाज में जलाएंगे, मातम मनाया जाएगा तुम्हारा राजपुताने में? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन में भुला देंगे तुमको, 2 दिन में। वो प्रताप इस्तेमाल कर रहा है तुम लोगों का, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती का कोई जज्बा नहीं है। अगर होता तो मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सा ऐसा दोस्त जो अपने करीबी दोस्तों को इस तरह मरता हुआ देखे? कौन सा ऐसा दोस्त है बताओ? अगर उसके सीने में तुम्हारे लिए जरा सी भी मोहब्बत होती तो आता वो तुम्हें बचाने, पर देख लो नहीं आया। कहीं छुपकर तुम्हारे मरने का नजारा देख रहा होगा और सोच रहा होगा मनी मन के, अच्छा हुआ ये मर गए, मैं तो बच गया। प्रताप को देखा था, देखा था ना? बता प्रताप, बता प्रताप कहाँ है? बता प्रताप, हम जानते हैं इस वक्त तुम यहीं कहीं छिपे हुए हो। हम चाहे तो यूं तुम्हें ढूंढ सकते हैं, यूं, मगर नहीं। हम चाहते हैं कि तुम खुद ब खुद हमारे सामने आओ, और तुम आओगे हंसा। सारे मसाले मंगवा लो, और जितनी भी लाल मिर्च है मंगवा लो यहाँ। ठीक है। आटा गीला ढीला नहीं, पत्थर जैसे कठोर बनाओ इसे। तेल को और उबालो, और लाल मिर्च और चाहिए। आपको क्या लगता है जीजा, ये तेल से, इन मसालों से आप हमें बचा सकती हैं? जो सच है उसका सामना करने दीजिए सबको, और सच यही है कि हम सबको जल के मर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बस अब एक भी शब्द आपके मुंह से निकला तो हम इसी समय आपके आत्मदाह के लिए विशेष कक्ष तैयार करवा देंगे, फिर चाहे तो आप आनंद से उसमें जल जाना। आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ जानता नहीं है। क्या जानते हैं? यही कि आज हम सब आपके कारण संकट में घिरे हुए हैं। मना करने के उपरांत भी आपने भेजा था राणा जी को पत्र। आज आपके कारण सुल्तान सिंह हमारे द्वार पर खड़ा हुंकार भर रहा है। रानी सा, रानी सा, द्वार पर बाहर से लगने वाला जोर अचानक रुक गया है। क्या
जो भी है, किंतु अब हमारे पास बचने के लिए समय नहीं है। जितनी भी भारी भारी वस्तुएं इकट्ठा की जा सकती है मुख्य द्वार से सटा कर जमा दो। शीघ्र शीघ्र कीजिए, जल्दी। बाबूजी राज प्रताप, आपको हमारी सौगंध। सामने मत आना। हाँ बाबूजी राज, सामने मत आना।